केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस मेरे साथ हैं। पारस जी, आज एनडीए की दिल्ली में बैठक है, वहीं बेंगलोर में भी विपक्ष की 26 पार्टियां बैठी हैं। उन लोगों का ये दावा है कि लोकतंत्र को बचाना है, इसलिए मोदी को हराना है। बिहार में, देश में तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र खतरे में कहाँ है? वो लोग खतरे में महसूस कर रहे हैं जो लोग हैं, जिन लोगों पर ईडी और सीबीआई का चार्जेज है। कुछ लोग जेल से रिहा हुए हैं, जेल से जमानत पर हैं, कुछ लोग जेल जाने की तैयारी में हैं। उन लोगों को डर सता रहा है। देश बिल्कुल सुरक्षित है, देश का संविधान बिल्कुल सुरक्षित है, और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 2014 से लेकर आज तक जो सरकार चल रही है, वो देखिए, देश के गरीब गुरबा दलित पिछड़ा सभी लोगों के हित की बात हो रही है। इसलिए देश में कोई आपातकाल नहीं है, इमरजेंसी ऐसा। कांग्रेस में जो 74 में जो आंदोलन हुआ था जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, वैसी स्थिति आज के तारीख में नहीं है। देश सुरक्षित है, सरकार सुरक्षित है। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, एनडीए गठबंधन को 2/3 बहुमत मिलेगा, और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री श्री परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। एलजेपी के दोनों फैक्शन, आप भी एक के अध्यक्ष आप हैं, दूसरे के आपके भतीजे चिराग हैं, दोनों शामिल हो रहे हैं आज एनडीए की बैठक में। आपको कोई आपत्ति उनके शामिल होने से? मुझको क्यों आपत्ति होगा भाई, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। भाजपा के लोगों ने, बड़े लोगों ने फैसला लिया है, तो हम तो शुरू से एनडीए गठबंधन के समर्थक हैं। देखिए, प्रश्न जो आपने पूछा है, 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी हमारे दल का, तो हमारे दल में उसमें 6 सांसद थे। 5 सांसदों की राय थी कि हम एनडीए गठबंधन के साथ मिल के चुनाव लड़ें, और उस बैठक में 99% लोग की राय थी। लेकिन उस समय चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी थे, संसदीय दल के नेता भी चिराग पासवान जी थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन भी वो थे, वो हम लोग की बात को नहीं माने और अकेले चुनाव लड़े, बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े। और उसमें आप देखें कि रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट निगेटिव हुआ। एक जो चुनाव जीत के आया था, वो भी बाद में विधायक चले गए, दूसरे दल में चले गए। हमारी लड़ाई वही लड़ाई थी। उसमें यदि एनडीए गठबंधन के ये कुछ नहीं छोड़ते, ये आज ये नौबत नहीं आती, आज ये नौबत नहीं आती। इसीलिए एनडीए का कुनबा बड़ा हो, हमको उसमें कोई आपत्ति, मेरा कोई विरोध नहीं है। सीट शेयरिंग की बात होगी ना, तो बांटना पड़ेगा आप में और उनमें, दोनों में बांटना पड़ेगा। हम उसमें क्यों बांटेंगे भाई, तो हमारी पार्टी अलग है, उनकी पार्टी अलग है। भाजपा के जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, भाजपा के लोग जो सीट शेयरिंग, देखिए एक बार जान लीजिए, सीट शेयरिंग में गठबंधन धर्म का ये पालन होता है कि सीटिंग और गेटिंग होता है, जितने आपके हैं उतना लेंगे। हमारे नहीं, सीटिंग गेटिंग होता है। किसी भी दल में आप चले जाइए, चाहे पक्ष में जाइए विपक्ष में जाइए, जिसका जो सीटिंग होता है, सीटिंग गेटिंग वो होता है, उसके बाद जो दूसरा सीट है उस पर फैसला होगा। तो आपके जितने हैं उतना आपको चाहिए, उसके लिए कोई दूसरा कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हाजीपुर की बात आ रही है, आप वहाँ से सांसद हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि मेरे पिता वहाँ सांसद रहे हैं। असंभव चीज़ है। चिराग पासवान जी के पिताजी हैं, पासवान जी की कर्मभूमि हाजीपुर था। तो पासवान जी जब जीवित थे, अपने बेटे को क्यों नहीं लड़ाया हाजीपुर से? उसमें तो कहे कि मेरा बेटा चिराग पासवान है, लेकिन उस पर मुझको उतना विश्वास नहीं है जितना तुम मेरा भाई हो, तुम पर हमको विश्वास। और उत्तराधिकारी, मेरे भविष्य का राजनीतिक उत्तराधिकारी तुम ही हो गए। और उन्होंने अपने जीते जिंदगी मुझको टिकट भी दिया, चुनाव भी लड़ाया, नामांकन भी कराया, फिर आज क्या? चिराग पासवान जमुई के, पासवान जी तो बोल के गए थे कि चिराग पासवान जमुई के सांसद हैं, जमुई में जाए उनसे पूछिए जमुई क्यों छोड़ रहे हैं। मतलब हाजीपुर पे कोई सवाल नहीं, फगड़ बट कोई सवाल ही नहीं, प्रश्न आपको पूछना भी नहीं चाहिए। शुक्रिया आपका। कैमरामैन अविनाश के साथ कुमार गौरव, News 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।